देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी के अनेक मंदिर हैं, जहां माता विभिन्न रूपों में विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई में स्थित है, जो पूरे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश भर के में प्रसिद्ध है। माता कलेही देवी की मंदिर है। पवई स्थित माँ कलेही मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। शारदीय नवरात्रि की बैठक की प्रारंभ होते ही माँ कलेही के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। दुर्गा सप्तशी में वर्णित नौ देवियों में माँ कलेही सप्तम देवी कालरात्रि ही हैं। अष्टभुजाओं में शंख, चक्र, गदा, तलवार और त्रिशूल उनके आठों हाथों में है। पैर के नीचे भगवान शिव हैं, उनके दाएं भाग में हनुमान जी और बाएं भाग में बटुक भैरव विराजमान हैं। माता हाथ से भाला लिए महिषासुर का वध कर रही हैं। यह विलक्षण प्रतिमा 14 से 16 शताब्दी की चंदेल कालीन की है। माँ कलेही पवई नगर जी से 2 किलोमीटर की दूरी पर पतने नदी के तट पर विराजमान है। नवरात्रि में भक्तों को अपनी मनोकामना के साथ ही माता कलेही के दर्शन करने पहुंचते हैं। कहा जाता है कि नगायच परिवार के भागीरथ प्रसाद नगायच और पत्नी देवी नगायच प्रतिदिन पहाड़ी पर चढ़कर माता कलेही की पूजा करने के लिए जाती थी। कहा जाता है कि कलेही माता पहले पर्वत के ऊपर विराजित थी और भक्तों की सहूलियत के लिए वे नीचे चली आईं। उसके बाद भागीरथ नगायच के द्वारा वहां मंदिर बनाया गया। सनातन संस्कृति का शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। इसमें संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं, अभी तो भारत वर्ष के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं। ये माँ कलेही माता हैं, जो ये अपभ्रंश है, ये काली का रूप है, महिषासुर मर्दिनी का रूप है। महिषासुर का वर्धन कर महिषासुर का वध करते हुए शंकर जी की प्रतिमा चरणों में लेटी हुई है। ये पीछे पहाड़ी में विद्यमान थी, ये चलित प्रतिमा है, यहाँ भक्ति के अनुनय विनय पर चलकर आई है। यहाँ पे शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि दोनों नवरात्रियों में ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। वैसे तो भीड़ यहाँ निरंतर चलती रहती है, लेकिन इन विशेष पर्वों में भक्त अपनी मनोकामना लेके, आस्था लेके माँ के चरणों में आते हैं।